आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स की। वेरिकोज वेन्स हमारी वेन्स या जो शिराएं होती हैं उनके सूजने फूलने का पर्यायवाची है। अक्सर कई लोगों के हाथों में या पैरों में आपको वहाँ की नसें उभरी हुई या नीले रंग की दिखाई देती हैं और ये काफ़ी फूली हुई रहती हैं, खासकर जो लोग बहुत दुबले हैं, जो बहुत गोरे हैं, जिनकी त्वचा पतली है, उन सभी में आपको इस तरह की वेरिकोसिटीज़ या फूली हुई नसें दिखाई पड़ सकती हैं। आमतौर पर वेरिकोज वेन शरीर के किसी भाग में भी हो सकती हैं, मगर प्रमुखता से यह पैरों के पंजों में और पैर। जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स की समस्या है उनके पैरों या पैरों के पंजे में आपको टेढ़ी मेढ़ी फूली हुई छोटी बड़ी उभरी नसें दिखाई देंगी जो बैंगनी रहती हैं। कई बार वहाँ पर आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन भी दिखेगा और कई जगह पर यह मकड़ी के आकार की भी दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें स्पाइडर वेन्स कहा जाता है। बहुतांश लोगों को वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन्स से कोई तकलीफ नहीं होती, मगर कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। यह न केवल आपके ब्लड सर्कुलेशन में बाधा पैदा करता है, मगर इसके साथ साथ में आपको सर्कुलेशन से संबंधित अन्य बीमारियां भी होने की संभावना होती है। आइए अब देखते हैं कि ये वेरिकोज वेन्स होती क्यों है। दरअसल हमारे शरीर की जो वेन्स होती हैं, खासकर पैरों की जो वेन्स होती हैं, उनके अंदर एक नो रिटर्न या वन वे वॉल्व रहता है। यह वॉल्व खून को पैरों से आपके हार्ट तक का ले जाने के लिए खुलता है, मगर हार्ट से पैरों की तरफ खुलने के समय यह वॉल्व बंद हो जाता है। मतलब जब आप चलते हैं या कोई भी शारीरिक एक्टिविटी करते हैं तो वहां से पैरों का जो खून है वो हार्ट की तरफ बढ़ता है। जब यह हार्ट की तरफ बढ़ने लगता है तो ये वेन्स में जो वॉल्व होते हैं वो वन वे वॉल्व रहते हैं, वे खुल जाते हैं और उस वॉल्व के खुल जाने के बाद पैरों से खून आपके हार्ट की तरफ बढ़ने लगता है। उसी समय हम वेरिकोज वेन्स कौन से लक्षण या सिम्टम्स पैदा करती हैं? सबसे पहले तो मरीज को अपने पैरों और पंजों में फूली हुई बैंगनी रंग की टेढ़ी मेढ़ी नसें दिखाई देती हैं। आरंभ में वे कोई तकलीफ नहीं देती, केवल दिखने में थोड़ी सी बदसूरत या अगली होती हैं, मगर धीरे धीरे पैरों में दर्द, ऐंठन, पिंडलियों में दर्द होना जैसे लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। ज़्यादा देर बैठे रहने पर या लेटे रहने पर जब आप खड़े होते हैं तो पैरों में खिंचाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। कई बार आपको वहाँ पर खुजली आ सकती है, वहाँ की त्वचा में एक्जिमा जैसे दाग हो सकते हैं। चलने पर आपको पैरों में भारीपन, पिंडलियों में। और आइए जानते हैं कि वेरिकोज वेन्स होने के कारण क्या है। कई लोगों को यह हेरिडिटरी यानी अनुवांशिक होता है, इनके पेरेंट्स को भी यह बीमारी होती है या घर में अन्य भाई बहनों को यह बीमारी हो सकती है, जिसमें जन्मजात रूप से वॉल्व में कमज़ोरी रहती है, वह वॉल्व ठीक से बंद नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स हो जाते हैं। इसके बाद में मोटापा, जीवन शैली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह वेरिकोज वेन्स की बीमारी पुरुषों के बदले या बनिस्बत महिलाओं में ज़्यादा देखने में आती है। इसकी वजह है गर्भावस्था, गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल, मेनोपॉज या रजो निवृत्ति के वक्त होने वाले हार्मोनल चेंजेस, ये सभी वेरिकोज वेन्स। अब
किन किन लोगों में वेरिकोज वेंस होने की जोखिम ज्यादा है। जो लोग बहुत मोटे हैं, जो शारीरिक श्रम नहीं करते, जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जो ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, जिनके एक से ज़्यादा डिलीवरी या प्रेगनेंसी हुई हो, ऐसे सभी लोगों को वेरिकोज वेंस होने का खतरा आम लोगों के बनिस्बत ज़्यादा होता है। वेरिकोज वेंस का निदान या डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? यह बहुधा क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ही ज्ञात हो जाती है। डॉक्टर आपको बार बार उठने और बैठने के लिए कहेंगे और इसी मैन्यूवर से, इसी प्रक्रिया से आपके पैरों की नसें फूली हुई दिखाई पड़ेंगी। उनमें वेरिकोसिटीज कितनी है, किस जगह पर ज़्यादा है, उसके साथ में कोई एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे एक्जिमा है, या वहाँ का भाग में कोई अल्सर है या खुजली है, या वो स्पाइडर वेंस हैं, तो ये सब चीज़ों की जानकारी क्लिनिकल एग्जामिनेशन से मिल जाती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड टेस्ट, इससे वहाँ खून के दौरे के बारे में जानकारी मिल सकती है, जिसे वैस्कुलर डॉपलर कहते हैं। इसके अलावा वेनोग्राफी, जिसमें एक यदि महिलाएं वेरिकोज वेंस से बचना चाहती हैं तो वे हाई हील की जूती ना पहने, टाइट कपड़े ना पहने, नियमित रूप से व्यायाम करें, अगर उनका वज़न ज़्यादा है उसे कम करने की कोशिश करें, फाइबर्स ज़्यादा लें, नमक कम खाएं, इसके अलावा रेगुलर शारीरिक व्यायाम करें, यदि चलते वक्त या खड़े होते वक्त पैरों में दर्द होता है तो बैठ जाएं, लंबे समय तक खड़े ना रहें, तो इन सभी चीज़ों के ध्यान से, देखरेख और रखाव से आपको वेरिकोज वेंस कम करने में या उसे रोकने में मदद मिल सकती है। वेरिकोज वेंस के कोई घरेलू उपचार हैं तो हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जो आपके घर में मौजूद हैं और जिनके वजह से आप, या जिनके इस्तेमाल से आप वेरिकोज वेंस पर कुछ मात्रा में काबू पा सकते हैं या उसकी तकलीफ को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला तो एप्पल जूस है या एप्पल एक्सट्रैक्ट है, जो जिसमें शक्कर मिली हुई होती है, तो जिसे सेब का पाक या सेब का सिरका कहते हैं, उसके इस्तेमाल से आप वेरिकोज वेंस को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेरिकोज वेंस वाले भाग पर इस एप्पल सिरप को धीरे धीरे मालिश करनी हो। जैसा कि हमने बताया कि आप विच हेजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका बाजार में लोशन या ऑइंटमेंट दोनों मिलते हैं। आपको इस लोशन को दिन में 2-3 बार वहाँ पर लगाना है। हालांकि कुछ मरीजों को उस जगह पर लगाने से एलर्जी महसूस हो सकती है, मगर यह काफ़ी मामूली होती है और कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद कम हो जाती है। मगर आपको इसका प्रयोग 3 से 4 हफ्ते तक लगातार करना होगा, उसके बाद ही आपको फ़ायदा महसूस होने लगेगा। अब आखिरी घरेलू चीज़ है जिसका आप वेरिकोज वेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वह है लहसुन। अगर आप लहसुन का नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यह ब्लड प्रेशर भी कम करता है, तो लहसुन के नियमित प्रयोग से आपको वेरिकोज वेंस के लक्षणों में काफ़ी मात्रा में राहत मिल पाएगी। वेरिकोज वेंस के नॉन सर्जिकल उपचार में अगला नंबर आता है इलास्टिक स्टॉकिनेट्स का। ये इलास्टिक स्टॉकिनेट्स एक प्रकार के मोजे होते हैं जिनमें लेटेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और यह मोजे आपके पैरों के पंजे से आपकी कमर तक पहुंचते हैं, तो यदि आप इनको पहनते हैं तो इनके जो चलने या मूवमेंट के वक्त कॉम्प्रेशन और रिलैक्सेशन होता है, उससे नसों में जमा खून को
आगे बढ़ने में मदद मिलती है। वहाँ से खून का दौरा बढ़कर हार्ट की तरफ जाता है, वहाँ खून का दबाव कम पड़ता है, जिससे आपको उसके दर्द और अन्य तकलीफ़ों से राहत मिलती है। मगर यह समझ लीजिए कि ये स्टॉकिनेट लगातार पहनने से आपको वहाँ पर एलर्जी हो सकती है, खुजली हो सकती है, तो बेहतर होगा कि इसके बाद नंबर आता है फ्लेवोनाइड डेरिवेटिव्स का। फ्लेवोनाइड्स वे हमारे भोजन में भी मौजूद होते हैं, हमारे खान पान के पदार्थों में भी रहते हैं और बाज़ार में रेडीमेड गोलियों के रूप में भी मिलते हैं। इन फ्लेवोनाइड से रक्त संचारण में वृद्धि होती है, नसों में सूजन और ऐंठन कम होती है और यह आपके वेरिकोज वेंस के कॉम्प्लिकेशंस को भी कम करने में मदद करता है। कई सब्जियों और फलों में काफ़ी मात्रा में फ्लेवोनाइड्स होते हैं, जैसे कि पालक, फूलगोभी, ब्रोकोली, ब्लूबेरी, रास्पबेरी और लहसुन। यदि आप इनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो भी आपको इनसे वेरिकोज वेंस के लक्षणों में राहत मिलेगी। जब सारे घरेलू और दवाइयों के इलाज के बाद में भी आपकी वेरिकोज वेंस की समस्या कम नहीं हो रही है या बढ़ रही है या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं, तब आपको डेफिनेटिव प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें प्रमुखता से है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी में एक विशिष्ट प्रकार के केमिकल का इंजेक्शन आपके रोगग्रस्त नसों में लगाया जाता है, जिससे नसें ब्लॉक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और जिसकी वजह से वहाँ के आसपास में होने वाले लक्षणों में कमी आती है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। दूसरा उपचार है फ्लिबोटॉमी, जिसमें जो ज़्यादा फूली हुई नस है और यदि वहाँ पर खून का थक्का जमा हुआ है, वो नस खराब हो गई है, तो उसमें एक चीरा लगाकर उस खून के थक्के को निकाल दिया जाता है या उस वेरिकोज वेंस के आधुनिकतम उपचार में लेज़र सर्जरी आती है। यह सर्जरी वन डे केयर के रूप में अपनाई जाती है, जिसमें मरीज को लोकल या जनरल एनेस्थेसिया देकर यह सर्जरी की जाती है। इसमें लेज़र बीम से जो रोगग्रस्त नसें हैं उन्हें काट कर निकाल दिया जाता है या फिर उन्हें किसी स्वस्थ नसों से जोड़कर रेगुलर सर्कुलेशन शुरू कर दिया जाता है। यह सर्जरी करने के बाद में आपको वेरिकोज वेन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है, मगर यह प्रक्रिया केवल अनुभवी वेस्कुलर सर्जन से करवानी चाहिए, वरना इतना महंगा उपचार करने के बावजूद भी हो सकता है कि